हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और अभी मैं अपने गांव में हूं, जहां पे कि मेरा तालाब है, हमारे गांव का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। और यहां पे ज्योतिया माता का भी पूजा होता है, लगभग लही छठ पे भी यहां पूजा होता है। छठ तो वैसे हमारे गांव में लोग नहीं मनाते हैं, फिर भी जो है कि यहां पे पूजा हमेशा होता रहता है। अभी पिछले बार मैंने यहां का वीडियो शूट किया था, ब्लॉग वीडियो, तो आप लोगों ने देखा था कि वो तालाब का कार्य चल रहा था। अभी मैं इस समय यहाँ पहुँच चुका हूँ और आपको मैं लेके चलता हूँ उस तालाब पे, और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर देखिए, हमारे गांव का अगर तालाब आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, ये चलने का रास्ता है जो कि हम लोग तालाब के पास चल रहे हैं और देख रहे हैं। अभी यहाँ पे ऊँचाई पे चढ़ना पड़ेगा हम लोग को। हमारे साथ दो भाई भी और भी हैं गाँव के, ये सब। और आइए लेके चलते हैं आपको अपने गाँव का तालाब दिखाते हैं। और ये बहुत पुराना तालाब है। एक समय यहाँ पे ये जो सामने सब घर देख रहे हैं, बगल में सब बसे हैं, यहाँ पहले कुछ भी नहीं रहता था, पहले सब खाली खाली था। और अभी देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब, पहले तालाब भरा भी था, अभी इस समय खाली है, सूखा पड़ा है। ये हमारे गांव के सब बच्चे हैं, घूम टहल रहे हैं, खेल रहे हैं अपना। और देखिए, सीढ़ी भी बनवा दिया गया है, सब यहाँ पे अच्छे से कार्य हुआ है। अभी और भी कार्य यहाँ पे होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। और देख सकते हैं काफ़ी कोहरा हल्का फुल्का है, जिसकी वजह से वीडियो उतना क्लीन नहीं दिख पा रहा है। और आप नज़ारा देख सकते हैं सामने का, सब पूरा देख सकते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ माहौल है। सब बगल बगल में खेत बसे हैं और चारों तरफ से आप राउंड लगा सकते हैं। देखिए, नीचे सड़क भी बना है, आप चारों तरफ से घूम के आ सकते हैं। और बारिश के मौसम में तो यहाँ पे लगभग बहुत अच्छा दिखने में लगता है। इसमें तो फिलहाल में तालाब खाली है, और कभी इसमें लोग नहाया भी करते थे। अभी इसमें पानी नहीं है तो कोई नहाने लिए आता नहीं है। और यार देख सकते हैं सब पेड़ पौधा बहुत अच्छा, यानी एक तरह से बताएं आप लोग को, रील वील बनाने में बड़ा आनंद आएगा अगर यहाँ पे रील बनाने के लिए आए, बहुत शांति मिलेगी आपको। और सोचिए, हमारे गांव का तालाब है यार, पर कभी यहाँ घूमने के लिए जल्दी आते नहीं, क्योंकि थोड़ा ना दूर पड़ता है। दूर का मतलब गाँव में ही है, वो थोड़ा दूर पड़ता है, इसके लिए यहाँ आते नहीं कभी। और देखिए ये सब कितना अच्छा लग रहा है। और जाने का भी गेट आप वो सामने देख सकते हैं, जो सामने आप देख रहे हैं वो गेट है, सामने से उधर से भी आ सकते हैं और इधर खेत की तरफ से भी आ सकते हैं। ये सब देखिए, सामने भी रास्ता है, वो सामने जहां आप साइकिल देख रहे हैं वहां भी रास्ता है। हाँ तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारे गाँव का यहाँ तालाब? और बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ बहुत शांति है। लगभग अगर काश इस जगह पे अगर हमेशा रहना पड़े ना, तो बहुत शांति मिलेगी। समझ लीजिए, ऐसे जगह घर और अगर बनवा के रहना पड़े तो बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। मतलब कि एक तरह से बहुत बहुत, आप जैसा देख सकते हैं बहुत दूर तक, ये बगल में सब घर हैं, गांव बसे हैं, हमारे ही गांव का तालाब है, जिसकी वजह से अगल बगल सब घर हैं। फिर भी जो है कि पहले एक समय आपको बता दें, यहाँ पे कुछ रहा नहीं करता था, पहले यहाँ बहुत सब पेड़ पौधा यही सब रहता था। बारिश के समय में तो यहाँ इतना पानी भर जाता था कि लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बता दें वो सामने आप जो देख रहे हैं गेट, उस गेट की तरफ जो है ललही माता का पूजा होता है, इस तालाब में भी होता है। और लोग लड़कियां हमेशा भाऊ द्वीज जब आता है, भाई द्वीज, तो उस दिन को यहां पे लड़कियां आती हैं नहा के, जो है भाई के लिए जो रहता है अपना जौ का उगा रहता है, उसको लेके जाती भी हैं। तो यहां हमेशा लगभग कार्यक्रम होता रहता है। अगर आपको, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नए हैं तो यार प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।